पहले दो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है? जी एक्चुअली ये जो मराठी मूवी है के पावर फिल्म प्रोडक्शन निर्मित और दिग्दर्शित विश्व विधाता, जो ये मराठी मूवी और दत्त महाराज के ऊपर एक धार्मिक डिवोशनल मूवी है, और ये मूवी पहली बार दत्त महाराज के ऊपर बन रही है, और दत्त श्रीपाद श्रीवल्लभ के जो चरित्र है उनके आधार पर ये स्टोरी लिया गया है, और हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, और आज की जो संस्कृति है, संस्कार है, जो आज जो लोग भूल रहे हैं, और उसको हम ये बहुत सारे सब्जेक्ट जो है कि आज के लोगों को पता नहीं है कि ये मुद्दे ये मूवी के माध्यम से हम लोगों के पास तक लाना चाहते हैं, जैसे कि मंदिर में जाना क्यों, बड़ों का रिस्पेक्ट करना क्यों, और उसका क्या क्या फल मिलता है, और बाकी और जो पूर्वज है जो अपना अपने शिवाजी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे, इसके बाद में गजानन महाराज कौन थे, साईं बाबा कौन थे, ये लोगों को काफ़ी सब्जेक्ट पता नहीं है, तो हम ये मूवी के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि आज की जो कलयुग में जो स्थिति है कितनी खराब है, धर्म अधर्म का ऊपर कोई चल नहीं पा रहा है, तो हैंडीकैप है, कोई बंदा हैंडीकैप, उसको जिंदगी भर ये एहसास होता है कि एक्चुअली मैं हैंडीकैप क्यों हूँ, मुझे भगवान ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन उसके हर जवाब ये मूवी के माध्यम से उन्हें मिलेगा, और हर क्वेश्चन का, और जो कोई अगर गलत ट्रैक पे जा रहा होगा और वो जाएगा नहीं, क्यों एक्चुअली कि उसे पता चलेगा कि गलत ट्रैक पे जाने के बाद भगवान कितनी बड़ी पनिशमेंट देता है, तो हमारा तो ये सब लोगों का प्रयत्न है, हम लोग तो एक्चुअली काफ़ी लोग धार्मिक मूवी करने के लिए डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे क्योंकि हमारे पीछे वो है भगवान, वो बुद्धि देने वाला है और हमारे से करवा के ले रहा है ये मूवी। अभी इसका शूट 24 का है, काफ़ी आर्टिस्ट है, मोहन जोशी सर है, सचिन पिलगांवकर सर से भी बात चल रही है, नाना पाटेकर साहब से बात चल रही है, उसके बाद में वर्षा उसगांवकर जी है, भाऊ कदम जी है, और काफ़ी दिग्गज इंडस्ट्री के बॉलीवुड के है कि जो भक्त है और उन्होंने काफ़ी सहकार्य किए हैं, अभी सर जी के सुरेश वाड़कर साहब जी के स्टूडियो में उन्होंने भी काफ़ी कॉपरेट करे, यहाँ उनका स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं हम लोग, और कोशिश है सब बढ़िया हो। आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग का मौका है, किस तरह का सॉन्ग होने वाला है उनका? ये एक्चुअली एक शंकर भट्टा नाम का एक कैरेक्टर है, वो भगवान को मिलने के लिए काफ़ी मुश्किलें आती है और भगवान कितने परीक्षा देखते हैं उसके ऊपर वो सॉन्ग रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस को तो सर ये किया कहना है मुझे कि एक्चुअली ये मूवी देखो कि आप लोगों कौन सी स्थिति में हो, आप बेहोशी में कितना जी रहे हो, आपको होशपूर्वक में जीना चाहिए, दुख कहाँ से आता है, दुख का दरवाज़ा बंद करना है तो ये मूवी देखो, ज़रूर उनको मार्ग मिलेगा और वो खुद कौन है उनको पता चलेगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं मिताली शीतोले और मैं इस फिल्म में सुमन का कैरेक्टर निभा रही हूँ, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि दत्त महाराज के ऊपर ये फिल्म बन रही है, और सर का इस मूवी बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है। मैंने सर को पूछा, सर मैं खुद चरित्र पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप दत्त भगवान के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। जो दत्तात्रेय भगवान हैं वो तीन महाशक्तियाँ जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? तो सर ने मुझे बहुत अच्छा सा जवाब दिया, नीतल हमें जनहित के लिए ये मूवी बनानी है, और आज की डेट में जैसे बहुत सारी मूवी आ रही है, चैलेंज है कि ऐसी मूवी में बना रहा हूँ, और इसके पीछे एक ही वजह है कि आजकल जो बिगड़े हुए जो संस्कार हैं उनको हम अच्छी तरह से संभालें और उनकी रक्षा करें, और आगे चल के हम इनको इसके ऊपर जो भी आने वाला जो पीढ़ी है, जो नए युवा है, वो उस पर चल सके। जी आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश मोरे है और मैं इस फिल्म में खुद भगवान का रोल प्ले कर रहा हूँ, श्रीपाद शिवल्लभ। और बहुत बड़ा रोल है तो अच्छा से मतलब अच्छे से प्ले करना होगा। पहली फिल्म में कुछ नर्वसनेस है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी एक्साइटमेंट है काम करने के लिए? हाँ, एक्साइटमेंट बहुत है लेकिन नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली मूवी है, अभी काम किया वाला नहीं है इसलिए, लेकिन सर गाइड करते रहते हैं मुझको, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आया तो सर गाइड करते, मैं इसको फॉलो करता हूँ। अपने आप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या डायरेक्टर?
मैं तो एक्ट करता ही हूँ लेकिन सर गाइड करते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। सर एक्ट करवाते हैं और मैं ये कहना चाहूँगी पहले कि जब मुझे पता चला कि दत्तात्रेय भगवान का जो किरदार है, मैंने पहले सवाल पूछा सर दत्तात्रेय भगवान के ऊपर मूवी बन रही तो इसमें रोल कौन निभा रहा है श्रीपाद वल्लभ का, तो बोले ऋषि ऋषिकेश मोरे। तो मैंने कहा सर मुझे देखना है उनको मतलब, और जब मैंने उनकी फ़ोटोज़ का मतलब जो लुक देखा तो यू नो ऋषि बहुत परफेक्ट लगा उस लुक के लिए, और सर ने बहुत सिलेक्शन किया उनका एकदम परफेक्ट। आज का जो गाना लॉन्च है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का गाना होने वाला है? गाना सॉन्ग रिकॉर्डिंग जो है और बहुत ही फील वाला गाना है वो, और वो गाना दर्शकों के दिलों को बिल्कुल छू जाएगा और बहुत ही मतलब हृदय स्पर्शी सॉन्ग है। सर आज जो सॉन्ग आपने रिकॉर्ड किया उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का सॉन्ग है, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी सोलफुल सॉन्ग था ये, क्या बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पहचाना, और मैं बड़ा आभारी हूँ हमारे आशीष मौर्य साहब का, बहुत ही सुंदर गाना मुझे मिला आज, बहुत दिनों के बाद एक हाईली मेलोडियस गाना गाने का चांस मिला जो आजकल बनता नहीं। मैं तो डायरेक्टर साहब के पवार साहब को बहुत बधाई दूंगा कि इस तरह का गाना उन्होंने चुना है, क्योंकि विषय ऐसा उन्होंने लिया हुआ है इस पिक्चर का, भाग्य विधाता फिल्म का नाम है, विश्वविधाता इस फिल्म का नाम है, और श्रीपाद वल्लभ महाराज जी के जीवनी के ऊपर ये पिक्चर बन रही है, और बहुत सुंदर गाना लिखा है सोनटक्के साहब ने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पवार साहब इसको बहुत खूबसूरत पिक्चराइज करेंगे, और ये फिल्म क्योंकि धार्मिक फिल्म है और दत्त महाराज जी के अवतार हैं श्रीपाद जी, तो ये मेरे ख्याल से सारे महाराष्ट्र में ये धूम मचाने वाला है, मेरे ख्याल से अगर हिंदी में भी अगर डब करेंगे तो सारे दुनिया में ये पसंद करेंगे, और मैं मेरे माई बाप जो सुनने देखने वाले हैं उनको सबको यही गुजारिश करूंगा कि ये फिल्म ज़रूर देखें, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी जल्दी ये फिल्म तैयार हो जाए और हम सबको देखने को मिले, और आप अपना आशीर्वाद इन दोनों बच्चों को दीजिए, यही मैं प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद। सर ट्रांसलेशन खाली दाखवा ना, एवढं बोललेलं पुन्हा बर। सर विश्वविधाता या चित्रपटाविषयी काय सांगाल? सगळ्यात आधी मी नमस्कार करतो नवीन वर्षाच्या, तुम्हाला सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। विश्वविधाता या नावानी खूप सुंदर फिल्म श्रीपाद वल्लभ महाराजांच्या जीवनीवर तयार होत आहे, याचे प्रोड्युसर डायरेक्टर आहेत आमचे के किशोरजी, के पवार याचे प्रोड्युसर डायरेक्टर आहेत आमचे के पवार साहेब, आणि याचे संगीतकार आहेत आशीष मोरे साहेब, आणि अत्यंत सुंदर गीत लिहिलेलं आहे गीतकार रंगनाथ सोनटक्के यांनी, अप्रतिम चाल बांधलेली आहे आशीषनी, मला गाताना खूप आनंद झाला, आणि अशा कामाची आता खूप गरज आहे कारण मेलोडियस काम लोक विसरत चाललेले आहेत, आणि भावपूर्ण अशी ही कवींनी शब्द लिहिलेले आहेत आणि त्याच्यावर स्वर साथ चढवला आहे आशिषनी, आणि मी पवार साहेबांना हेच विनंती करणार आहे की अप्रतिम ह्याला पिक्चराइज करा आणि लोक जरूर ह्या गाण्याला पसंद करतील आणि हा हे फिल्म लवकर तयार होऊन समोर यावं सगळ्यांच्या, एवढीच मी देवाजवळ प्रार्थना करेन, धन्यवाद। सर एकच प्रश्न, तरुण निर्देशक निर्माता आहे तरुण आशिष मोरे, म्युझिक दिग्दर्शक आहेत आणि त्यांना सुरुवातीच्याच काळात एक तरुण आवाज भेटले, क्या बात आहे, दोघेही तरुण मंडळी आहेत, प्रोड्युसर डायरेक्टर आणि संगीतकार आणि लेखक कवी पण, आणि माझ्यासारख्या आणखी एक जवान माणसाला त्यांनी गायला घेतलेलं आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे अत्यंत आभार मानतो, आणि ह्या सगळ्यांच्या हातात आता पुढच्या वाटचालीची धुरा आहे, आणि इतकं चांगलं काम त्यांनी जे आता माझं गाणं केलं आहे ते अप्रतिम गाणं केलं आहे,
तर यांचं भविष्य मला खूप उज्ज्वल दिसतंय. माझाही त्यांना खूप आशीर्वाद, दत्त महाराजांचा आशीर्वाद आहेच. थँक्यू.